मूवी की कहानी 1920 से स्टार्ट होती है। एक बार ब्रिटिश जनरल स्कॉट और उनकी पत्नी अदिलाबाद जिले का दौरा करने आते हैं। तभी वहां पर ब्रिटिश जनरल की पत्नी को एक छोटी लड़की मल्ली की कला बहुत पसंद आती है और वो जबरदस्ती से उस छोटी लड़की मल्ली को अपने साथ दिल्ली लेके चले जाते हैं। और रास्ते में जब मल्ली की माँ उसे बचाने की कोशिश करती है तो वे लोग उसे मार डालते हैं। वह छोटी लड़की मल्ली एक गोंडा आदिवासी लड़की होती है और दूसरी तरफ लड़की को बचाने के लिए भीम अपने आदमियों के साथ दिल्ली आ जाता है। भीम और उसके आदमी अपने मिशन में मदद के लिए जंगली बाघ को पकड़ते हैं और दूसरी तरफ सीताराम राजू एक पुलिस अधिकारी है जो इंग्लिश एम्पायर की सेवा करने के लिए अपनी काबिलियत साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। जब ब्रिटिश गवर्नर की पत्नी लेडी बक्सटन गोंडा जनजाति के नेता यानी भीम को जिंदा पकड़ने वाले पुलिस ऑफिसर को वह एक स्पेशल ऑफिसर बनाने का वादा करती है और इस काम को पूरा करने के लिए राम आगे आता है। राम भीम को पकड़ने के लिए एक क्रांतिकारियों की बैठक में भाग लेता है और वो वहां पर उन लोगों के सामने स्कॉट की हत्या का प्रस्ताव रख। यह बात सुनते ही भीम का दोस्त लच्छू राम के पास आता है और उसे अपने नेता यानी भीम से मिलने के बारे में कहता है। लेकिन तभी लच्छू को पता चलता है कि राम एक पुलिस वाला है और लच्छू वहां से भाग जाता है। जब लच्छू ये बात भीम को बताता है तो भीम उसे चुपचाप छुप जाने के लिए कहता है। राम और भीम गलती से मिल जाते हैं एक छोटे से बच्चे की जान बचाते वक्त। भीम राम को अपना नाम अख्तर बताता है और राम भी उसे अपनी पुलिस ऑफिसर होने की पहचान को छुपा लेता है और दोनों धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी भीम स्कॉट की भतीजी जेनिफर से मिलता है। वह उसके सहारे महल में घुसने की कोशिश करना चाहता है और राम भीम को उस लड़की यानी जेनिफर के करीब आने में हेल्प करता है और जेनिफर भीम को एक पार्टी में आमंत्रित करती है महल के अंदर। पार्टी में भीम और राम के डांस से सब लोग प्रभावित हो जाते हैं और जेनिफर खुश होकर भीम को महल के अंदर ले जाती है। महल के अंदर भीम मल्ली से मिलता है और उसे बचाने का वादा करता है और दूसरी तरफ राम भीम के दोस्त लच्छू को पकड़ लेता है। वह लच्छू को टॉर्चर करता है और अपने नेता का नाम बताने के लिए कहता है। लेकिन तभी लच्छू एक सांप को पकड़ लेता है और उसे राम के ऊपर फेंक देता है। इस सांप के जहर का तोड़ सिर्फ गोंडा जनजाति के लोग ही जानते हैं और लच्छू राम से कहता है कि अब बस तुम एक घंटे के अंदर मर जाओगे। लेकिन तभी राम भीम के पास जाता है और भीम उसकी जान बचा लेता है और भीम राम को सब बता देता है कि वह कौन है और वह दिल्ली क्या करने के लिए आया है। तभी भीम और उसके आदमी एक ट्रक से महल का गेट तोड़ के महल के अंदर घुस जाते हैं। उस ट्रक के अंदर जंगली जानवर भरे हुए होते हैं। भीम उन सारे जानवरों को महल के अंदर के लोगों पे छोड़ देता है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और पुलिस को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे और वो जानवर भी सब लोगों पे हमला कर रहे होते हैं। लेकिन तभी भीम मल्ली को देखता है और उसे बचाने की कोशिश करता है और लेकिन तभी वहां पर राम आ जाता है और वह भीम को पकड़ने की कोशिश करता है। भीम उससे हाथ जोड़ के विनती करता है कि वह उसे ना पकड़े। वह वहां पर किसी को मारने नहीं बस अपनी बहन को बचाने के लिए आया है। लेकिन राम उसकी बात नहीं सुनता जिससे भीम को गुस्सा आता है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। लेकिन फाइनली राम भीम को पकड़ लेता है और भीम को सार्वजनिक फांसी के जरिए मौत की सजा दी जाती है। लेकिन तभी जनरल स्कॉट कहता है भीम को, अगर तुम घुटने टेक दोगे तो हम तुम पे दया करेंगे और तुम्हारी जान नहीं लेंगे। लेकिन भीम राम के कोड़े मारने के बावजूद और टॉर्चर करने के बावजूद भी घुटने नहीं टेकता और वह एक गीत गाता है और भीम के उस गीत को सुन के लोगों में जोश आ जाता है और लोग विद्रोह कर देते हैं और वहां पर पुलिस पर हमला कर देते हैं। लेकिन भीम को पुलिस वहां से लेके चली जाती है। लेकिन तभी राम को याद आता है कि उसके पिता वेंकट राम राजू ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था और लड़ते हुए अपनी जान दे दी थी। उनका सपना था कि वह विद्रोह करने वाले हर एक सिपाही को हथियार दे सके। लेकिन तभी राम को पता चलता है कि हथियारों से भरे एक ट्रक के शिपमेंट को दूसरी जगह पर पहुंचाने की ड्यूटी राम की लगी है और तभी राम को लगता है कि अब उसका सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन उसी टाइम भीम को भी फांसी दी जानी होती है। लेकिन राम हथियारों की बजाय भीम की जान बचाने को चूज करता है और राम जनरल स्कॉट से कहता है कि इसको इसकी बहन मल्ली के सामने फांसी दो और शहर से दूर ले जाके फांसी देनी चाहिए और जनरल स्कॉट राम की बात मान लेते हैं। लेकिन तभी जनरल स्कॉट को राम की चाल का पता चल जाता है और लड़ाई में राम घायल हो जाता है। लेकिन फिर भी राम वहां से मल्ली और भीम को भगा देता है। लेकिन इस चक्कर
चक्कर में वह खुद पकड़ा जाता है और दूसरी तरफ भीम, मल्ली और उसके लोग किसी गांव में छुपे होते हैं। लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, लेकिन सीता जो राम की मंगेतर होती है वह उन सब लोगों को पुलिस से बचाने में मदद करती है। वह पुलिस से कहती है कि यहां पर चेचक फैला हुआ है जिससे पुलिस अंदर नहीं आती और बाहर से ही चली जाती है। लेकिन तभी सीता भीम और उनके लोगों को राम के बारे में बताती है कि वह पुलिस की नौकरी इसलिए कर रहा है कि ताकि वह मौका मिलने पर हथियार लेके वहां से भाग सके और हर एक क्रांतिकारी को, हर एक लड़ने वाले आदमी के हाथ में एक हथियार दे सके। यह बात सुन के भीम राम को बचाने की सोच लेता है और भीम जेनिफर द्वारा दिए गए जेल के ब्लूप्रिंट से जेल में घुस जाता है। वह राम को छुड़ा लेता है और उसे अपने कंधे पे उठा के भागने की कोशिश करता है क्योंकि राम उस समय अपने पैरों से भागने के लिए असमर्थ होता है। भीम राम को जंगल में ले जाता है और वह वहां पर राम का इलाज करता है। लेकिन तभी जंगल में पुलिस और सैनिक उन दोनों पे हमला कर देते हैं। तभी वहां पर राम श्री राम जी के मंदिर से धनुष और बाण लेकर उन सैनिकों से लड़ता है और भीम एक भाला लेके सैनिकों से लड़ता है और वे दोनों सैनिकों और पुलिस को मारते हुए महल की ओर बढ़ते हैं। वे दोनों महल में हथियारों से भरे कमरे में मोटरसाइकिल की मदद से विस्फोट कर देते हैं जिससे सारे महल में विस्फोट हो जाता है और आग लग जाती है और पूरा महल गिर जाता है जिसमें सारे सैनिक, पुलिस और स्कॉट की पत्नी भी मारी जाती है। लेकिन तभी भीम महल के अंदर से हथियारों के बड़े बड़े कंटेनर लेके बाहर आ जाता है और भीम और राम दोनों मिलके जनरल स्कॉट को गोली से मार डालते हैं और बाद में वहां से बहुत दूर सीता, राम, जेनिफर और भीम के सब लोग मिलते हैं हथियारों के साथ। और तभी भीम राम से अपने लोगों को और खुद को शिक्षित करने के लिए कहता है और भीम, मल्ली और अपने लोगों के साथ अपने गांव चला जाता है और दूसरी तरफ राम सीता के साथ हथियारों को लेके अपने गांव चला जाता है और सब लोगों में हथियार बांट देता है। और इसी के साथ हमारी मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।